जी इस वक्त मैं हूँ लॉस एंजलिस में और मेरे साथ अब्दुल वहाब साहब है। अब वैसे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान से आए और मैं यहीं पर रहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे रहते हैं। और अब्दुल वहाब साहब जो है वो अमेरिकन नेशनल है। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 16 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। पाकिस्तान भी कई बार विजिट कर चुके हैं लेकिन आप ये देखें इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है कि ये पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर यहाँ पे अमूमन रहते हैं। तो ये क्या वजह है, तुम ये पाकिस्तानी ड्रेस में क्यों रहते हो यहाँ पर? देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी जगह पे मैं पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान की जो हिडन ब्यूटी जिसको छुपाया गया वो मैं यहाँ पे लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा ड्रेस है, ये इस तरह से हमारा रहन सहन है। तो उसमें नहीं, अब उसमें बात ये है ना कि आपके साथ हम भी घूमे फिरे हैं अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर, तो आप जब कमीज शलवार पहनकर ये सिंधी टोपी पहनकर, बेसिकली ये सिंधी टोपी नहीं है, ये आप अगर केपी के या बलोचिस्तान जाएं तो वहाँ पर भी ज्यादातर लोग यही टोपी पहनते हैं। वहाँ पे इसको कंधारी टोपी बोला जाता है। जी, कंधारी टोपी, बिल्कुल। तो कंधारी टोपी पहनकर जब तुम जो है वो यहाँ पे मॉल्स में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो तुम्हें क्या इंप्रेशन मिलता है? लोग क्या तुम्हें देख के क्या सोचते हैं? लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो मोस्टली लोग कहते हैं कल्चरल ड्रेस है कोई बात नहीं, बहुत से लोग खुश होते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं। मतलब पूछते तो नहीं कि अफगानिस्तान से तो नहीं आए? अक्सर पूछते हैं लोग, कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, यू नो, उनमें क्यूरियोसिटी होती है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान का समझते हैं? ज्यादातर लोग मोस्टली जो है अफगानिस्तान का समझते हैं। अच्छा, इंग्लिश इनकी बड़ी क्लास की है, जब ये अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो वो जो गोरे होते हैं ना वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, और इतनी फ्लुएंट इंग्लिश जो है तुम्हारी, तो ये वो तो वो लोग तो हैरान हो गया। तुम तो कहते हैं यार स्पैनिश भी बोल लेते हो तुम, और उसके अलावा और दूसरी लैंग्वेजेस भी बोल रहे हो, तो 8-10 लैंग्वेज बोल लेते हैं, कितनी लैंग्वेज बोल लेते हो? सर, मैं तो इंग्लिश ऑब्वियसली, स्पैनिश, पश्तो, पंजाबी फ्लुएंट बोलता हूँ मैं, और उसके अलावा फारसी, उसके अलावा हिब्रू भी मैं बोलता हूँ, और अरबिक ऑफ कोर्स, फॉर श्योर अरबिक। तो मैं समझता हूँ हमें जो है ना ज़ुबानें सीखनी चाहिए, और एक जब इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जो है ना कुछ मौलवी लोग थे, उन्होंने कहा थी कि ये इंग्लिश सीखना जो है कुफर है। तो जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो थे हमारे जो लीडर हैं, जिन्ना रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा इंग्लिश सीखो, उन्होंने लोगों को इनक्रेज किया इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि अगर हम ये ज़ुबानें सीखेंगे तो हम दुनिया के साथ अच्छी तरह से जो है ना वो कम्पीट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अभी जो हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे जो बिजनेस मैन हैं, जो हमारे ताजर हैं, उनको चाहिए कि वो चाइनीज़ भी सीखें। ठीक है, हमारे जो ताजर उनको चाहिए चाइनीज भी सीखें, क्योंकि चाइना इस वक्त जो है वो बूस्टिंग, बस ज़बानें सीखते रहेंगे, काम नहीं करेंगे क्या? काम भी करें, और देखिए सब चीजों को बैलेंस रखना। तुमने अभी तक शादी नहीं की यहाँ पे यार, क्या वजह इसकी है? शादी इंशाल्लाह करेंगे। मैं लड़की जो है वो पाकिस्तानी चाहिए या यहाँ की अमेरिकन चाहिए? मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तानी है तो ज्यादा बेहतर है, उसमें जरा पाकिस्तान से चाहो तो मतलब हो जाए। जी, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा खुद पश्तो स्पीकिंग हो तुम। जी, तुम चाहते हो पश्तो लड़की से शादी करो? ठीक है, पश्तो, देखिए मैं आपको सही बात बताऊँ, मुसलमान हो और सबसे बड़ी बात पाकिस्तानी हो, बस पश्तो इतनी कोई अहमियत नहीं रखता, मेन चीज़ है मुसलमान हो। अच्छा, यहाँ पे तुम माशाल्लाह सारी नमाजें भी पढ़ते हो और बड़ा इस्लाम से भी करीब हो, तो क्या ख्याल आता है तुम्हारे इस्लाम के बारे में? मैं समझता हूँ इस्लाम जो है वो 24 घंटे की ज़िंदगी का एक नाम है, और हमें हर चीज़ में जो है ना अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकाम हैं उनको लागू रखना चाहिए, और उनको जो है ना ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और अगर हम बिजनेस ईमानदारी से करें तो उसमें भी हम कामयाब हैं। और वही हमारे नबी हर वक्त माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छी बात है, हर मुसलमान पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है और पढ़नी चाहिए, और आप माशाल्लाह पढ़ते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है अमेरिका में रहते हुए। तो कपड़े भी आप इस तरह के पहनते हो, और आपका इस्लाम के बारे में माशाल्लाह बड़े अच्छे आपके जो है ख्याल हैं, तो लोग तुम्हें यहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं कहते कि यार ये बहुत कोई एक्सट्रीमिस्ट बनता है, इंतहा पसंद है, और क्या कहते हैं तालिबान बहुत से लोग कह देते होंगे, कोई दहशतगर्द कह सकते हो? अच्छा, झट बोलनी नहीं चाहिए इस तरह की बात, लेकिन ये क्योंकि सवालात होते हैं बहुत सारे। मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मुझे तो अब टाइम हुआ ना काफ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि लोग मुझे इज्जत देते हैं और बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, और मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। और स्पेशली जिस जगह पे यहाँ पे मैं रहता हूँ कैलिफोर्निया में, ये बड़ा कल्चरली डाइवर्स है। मैं भी इस तरह के काम अंदरून अमेरिका के अंदर कहीं होते हूँ, मगर यहाँ जो इस किस्म की स्टेट्स हैं न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, इन जगहों पे ऐसा नहीं है, क्योंकि कल्चर बड़ा डाइवर्स जगह है यहाँ, तो वो दे आर यूज्ड टू इट नाउ। अच्छा, पाकिस्तान के बहुत हालात ख़राब हैं और फरमाशी तौर पर बड़े मसले हैं, तुम्हारे नज़दीक उसका हल क्या है? सर, मैं तो आपको एक बात बताऊँ, बड़ी क्लियर कट दो टॉक, उसका हल एक ही है, जिस मकसद के लिए और जिस नाम पर पाकिस्तान बना था उस नाम के खातिर
उस मकसद को आप इम्प्लीमेंट करें। और क्या मकसद क्या था? वो मकसद था, देखें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसका वो तो वहां सारे देखें सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बन सकता। असेंबली में 98% तो वो तो इस्लामी मुल्क है, तो है इसमें आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो है दस्तूर इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी आपकी है ना, लेकिन देखिए अमल उस पे, अमल का मसला है ना, अमल से जिंदगी बनती है। हाँ। वो अमल नहीं, अमल भी होता है ना वहाँ पे, क्या है रोयते हिलाल कमेटी जो है वो चांद देखती है, वो बताती है कब रबीउल अव्वल होगा, कब रमजान होगा, कब जो ईद होगी। नहीं सर देखिये इस्लाम, देखिये ये बात नहीं सर आपने चांद देख लिया, पांच वक्त की नमाज पढ़ ली, नहीं, उसमें यह है कि ईमानदारी, मिलावट का मसला है, ठीक है, और बहुत सारे मसाइल हैं, पुलिस हमारी जो हमारा पुलिस का इदारा है वो ठीक नहीं है, उसमें बहुत सारे करप्ट लोग हैं, तो ये मसला है करप्शन और जो है ना जुल्म और नाइंसाफ, इसका ताल्लुक तो इस्लाम से तो नहीं है ना, इसका ये जो तो इस्लामी मुल्क नहीं है, तो यहाँ पे लोग करप्ट नहीं है, यहाँ पे पुलिस अच्छी है, नहीं सर, तो अगर उस पाकिस्तान का मजहब कुछ और होता, फर्ज करो पाकिस्तान का मजहब कुछ और होता, तो वहाँ लोग फिर भी ऐसे होते, फिर इस्लाम तो नहीं बोलता झूठ बोलो, इस्लाम तो नहीं बोलता बेमानी करो, इस्लाम तो नहीं कहता रिश्वत करो, इस्लाम तो नहीं कहता मिलावट करो, इस्लाम तो नहीं करता कि करप्शन अपने अपने अपनी कौम को लूटो। अगर फर्ज करो सारे लोगों को, सारे लोगों का मजहब कुछ और होता तो भी उनके हालात वो रहते, तो इस्लाम तो नहीं कहता ये सारी चीजें। लेकिन सर बात यह है कि मैं यूएस में रह रहा हूँ ना, अगर मिसाल के तौर पर यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ पे इंसाफ है, यहाँ पे सिग्नल पे लोग रुकते हैं, यहाँ पे लोग पाबंद हैं, यहाँ पे मसावात है, यहाँ पे इंसानों जानवरों का के औरतों के राइट्स हैं, तो इसका ताल्लुक मजहब से कहाँ से आ गया? देखिए बात ये है कि अल्लाह ताला ने ना कुछ यूनिवर्सल लॉज जो हैं, जिन्हें हम डिवाइन लॉज बोलते हैं, वो तमाम इंसानियत के लिए एक ही जैसे बनाए, ठीक है, उसमें क्या है सबसे पहला जो तो यानी जो उसको फॉलो कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इन्होंने फॉलो कर लिया है, यूरोप और अमेरिका ने फॉलो कर लिया तो वो कामयाब हो गए, हम खुद जो है वो अपने रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं जी, बिल्कुल, तो इसलिए हम नाकाम। और सबसे बड़ा रूल क्या है, इंसाफ, जस्टिस फॉर ऑल, ये नहीं कि मुसलमान है तो आप उसका जस्टिस कर रहे हैं, गैर मुस्लिम है तो आप ज्यादा करें, नहीं, जस्टिस जो है उसका मयार गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों के लिए एक ही बराबर है, और यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो था मिशन, कि इंसानियत को आके मोहब्बत देना, इंसानों को इकट्ठे करना एक अल्लाह के नाम के नीचे, और यही हम चाहते हैं कि यही इस किस्म का जो मिशन है ना वो पाकिस्तान में भी है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं, हमारे पास दुनिया के टैलेंटेड तरीन किस्म के पोटेंशियल रखने वाले, और माशाल्लाह हर तरह से मतलब ज़बरदस्त लोग हमारे पास है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं हम ओवरसीज जो पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं, हम पैसे भी भेजने को तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हो, जिस और ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें हर कौम और हर मज़हब के बंदे को मौका मिले। ये नहीं कहा मुसलमान है, ये बात नहीं है, मुस्लिम की और गैर मुस्लिम की बात ही नहीं है, इधर बात है इंसानियत की और इधर बात है पाकिस्तान की। और देखें पाकिस्तान जो है ये तो पैगाम ही मोहब्बत का है, चार पांच कौमें एक झंडे के नीचे इकट्ठी रहती हैं, अल्लाह और उसके रसूल। पूरा नाम है तुम्हारा? अब्दुल वहाब अहमद, अब्दुल वहाब अहमद खान, नहीं अब्दुल वहाब अली अहमद, अली अहमद जी, अच्छा जी, अब्दुल वहाब अली अहमद साहब ने एक वक्त था कि कन्वर्ट हुए ये क्रिश्चियन से जी, मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनको मज़हब इस्लाम भी बहुत बहुत मुबारक है, और जो के कन्वर्ट होते हैं वो पढ़ के होते हैं, वो समझ के होते हैं, दिल से होते हैं, तो शायद जो बाय बर्थ मुस्लिम होते हैं उससे ज़्यादा वो इस दीन की कदर करते हैं, तो इन्होंने की, और इनकी बातों से, इनकी गुफ्तार से, इनकी लिबास से, इनकी सोच से जो है ये लगता है, तो अल्लाह ताला आपको अपने जो साबित कदमी है मैं कहता हूँ उस पर जो कायम रखे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आखिर में मैं एक ही बात करना चाहूँगा, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।